नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ धनु लगन व वृश्चिक राशि के लिए मार्च 2023 का राशिफल। जो मेरे नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि धनु लगन व वृश्चिक राशि का क्या अर्थ है। यह आपकी लगन कुंडली है, इसके पहले भाव में 9 नंबर लिखा है, इसका अर्थ है आपका धनु लगन है। चंद्रमा आपका द्वादश भाव में विराजमान है, 8 नंबर में, इसका अर्थ है आपकी वृश्चिक राशि है। यानी आपका कम्बिनेशन अगर धनु लगन व वृश्चिक राशि का बनता है तो आप ये वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि धनु लगन व वृश्चिक राशि के लिए मार्च का माह कैसा है। धनु लगन में 17 जनवरी 2023 से शनि महाराज तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां का वो बहुत बढ़िया फल देते हैं। और इस समय लग्नेश गुरु स्वराशि के चल रहे हैं चौथे भाव में, यानी अभी भी समय अच्छा चल रहा है। और 21 अप्रैल के बाद जब लग्नेश गुरु पंचम में आ जाएंगे तो समय और भी बढ़िया हो जाएगा। वृश्चिक राशि से बात करें तो धनेश और पंचमेश इस समय स्वराशि के चल रहे हैं और शनि महाराज की दशम भाव पर दृष्टि है। वृश्चिक राशि पर इस समय शनि की ढैया चल रही है। अब वृश्चिक राशि पर जो शनि की ढैया चल रही है उसी परिपेक्ष के संदर्भ में हम देखते हैं कि धनु लगन व वृश्चिक राशि के लिए मार्च का महीना कैसा है। मेरा यह मानना है कि मार्च के महीने में भी आपको निराशा नहीं होगी। कैरियर में अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो मार्च के महीने में आपके पास नए अवसर आ सकते हैं। जॉब बदलना चाहते हैं तो जॉब के लिए ऑप्शन आ सकते हैं। व्यापार में अगर आपने कुछ नया करने का सोचा था तो उसकी भी संभावना बनती है। साथ ही ध्यान रखिए, धनु लगन से गुरु चौथे स्थान पर चल रहे हैं और वृश्चिक राशि से शनि चौथे स्थान पर चल रहे हैं। चौथा स्थान होता है हमारे रहने का स्थान। जब गुरु और शनि जैसे ग्रह चौथे भाव पर चलते हैं तो आपका स्थान परिवर्तन कराते हैं। अब वो स्थान परिवर्तन हो सकता है कि जॉब में आपका ट्रांसफर हो जाए या आप रहने का मकान बदल लें, क्योंकि चौथे भाव का चल रहा गुरु इस बात का भी संकेत देता है कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय बहुत बढ़िया है। अगर आपकी कुंडली में गुरु की, मंगल की या शुक्र की दशा या दशा चल रही है तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है। हो सकता है आप नई प्रॉपर्टी लेकर एक मकान से दूसरे मकान में या एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाएं, तो ये आपके स्थान परिवर्तन का संकेत आ रहा है। धन की बात करें तो धनु लगन से भी और वृश्चिक राशि से भी धन के लिए मार्च का महीना आपके लिए शुभ है। उसके लिए जरूरी है कि जब आपकी कुंडली में शनि की, शुक्र की, मंगल की या सूर्य की, शनि, शुक्र, सूर्य, मंगल या गुरु, इनकी अगर दशा अंतर्दशा चल रही होगी तभी आपके पास धन आने की संभावना बनेगी, क्योंकि यही ग्रह हैं जो धनु लगन में धन दे सकते हैं। शनि, शुक्र, सूर्य, मंगल और गुरु, ये ग्रह हैं जो आपको धन देने की क्षमता दे सकते हैं। धन आने की आपके पास संभावना बनेगी। भाग्य का आपको साथ मिला हुआ है। धनु लगन से भाग्य सूर्य की भाग्य भाव पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति में अगर आप कोई मेहनत करेंगे तो मार्च के माह में आपको उसका रिजल्ट दिखाई देगा। संतान को लेकर कुछ चिंता है, क्योंकि धनु लगन से इस माह आपके षष्ठेश शुक्र जो है पंचम में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव में षष्ठेश शुक्र की राहु के संगति इस बात का संकेत दे रही है कि अगर आपकी संतान बड़ी है तो संतान से कोई विवाद हो सकता है या संतान को लेकर आप किसी चिंता में घिर सकते हैं मार्च के माह में। दांपत्य जीवन में थोड़े से तनाव का संकेत है, क्योंकि धनु लगन से द्वादश मंगल का गोचर सप्तम भाव में होगा और साथ ही इस माह जो है आपका सप्तमेश बुध भी अपनी नीच राशि में रहेगा, जिसके कारण दांपत्य जीवन में किसी प्रकार के तनाव का संकेत मिलता है। और वृश्चिक राशि से बात करें तो वृश्चिक राशि से भी षष्ठेश मंगल का गोचर सप्तम में हो रहा है, तो दांपत्य जीवन में सावधानी, अगर कोई वाद विवाद हो जाए तो वाद विवाद को बढ़ाने की कोशिश ना करें। उपाय के तौर पर आप हर शनिवार को चमेली के तेल का दीपक जलाकर, अगर कोई महिला जाति का है, शनिवार को चमेली के तेल का दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं। उससे घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा। अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो सुंदरकांड को मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इस महावाहन सावधानी से चलाइएगा, किसी प्रकार की वाहन दुर्घटना की संभावना बनती है। वृश्चिक राशि से इस महा मंगल आपके अष्टम में रहेंगे। अष्टम का मंगल किसी प्रकार की दुर्घटना या चोट का योग बनाता है। साथ ही मंगल की दृष्टि लगन और राशि दोनों से ही आपके लगन पर होगी। लगन से भी मंगल आपके लगन को देख रहे हैं, वृश्चिक राशि से भी मंगल आपके लगन को देख रहे हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि से मंगल अपनी स्वराशि को देख रहे हैं, तो इसके कारण आपका आत्मविश्वास काफी बड़ा रहेगा माह के आरंभ में। और कई बार जब हमारा आत्मविश्वास ज्यादा बड़ा होता है तो हम किसी की बात सुनते नहीं है और हमें गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, तो अपने गुस्से पे काबू रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाए।
तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। मेरा यह मानना है अगर आपका धनु लग्न में वृश्चिक राशि है तो मार्च का महीना आपके लिए 68% तक बढ़िया जाने वाला है। अब आप देखिए गोचर आपके लिए बिल्कुल सही बना हुआ है। अब ये गोचर आपको कितना रिजल्ट देगा ये निर्भर करेगा आपकी जन्म कुंडली की दशाएं क्या चल रही हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु की, मंगल की, बुध की या सूर्य की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो निश्चित रूप से आपको इस गोचर का फल मिलना है। लेकिन अगर आपकी दशाएं ही नेगेटिव चल रही है तो गोचर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि गोचर आपको रिजल्ट तभी देता है जब आपकी दशाएं सही चल रही होती है। तो दर्शकों मेरा वीडियो था कि धनु लग्न और वृश्चिक राशि के लिए मार्च का महीना 68% तक बढ़िया जाने वाला है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।